हेलो गाइस, मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। क्यों किया जाता है फेरे लेने से पहले गठबंधन, चलिए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है, बड़े बुजुर्ग इसके बारे में क्या बोलते हैं, उसके बारे में हम आज की न्यूज में बात करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। शादी की रस्मों को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, शादी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। शादी हमारे जीवन में एक ना एक बार तो होती जरूर है और शादी करनी भी काफी ज्यादा जरूरी होती है। अगर कोई शादी नहीं करना चाहता तो उसके पीछे का बड़ा कारण होता है, और अगर कोई करना चाहता है तो भी उसके पीछे कारण होता है कि वो अपना जीवन साथी चाहता है अपने साथ, और अपने बच्चे चाहता है, और अपना परिवार शुरू करना चाहता है। और उसी के साथ साथ जो शादी की रस्में रहती हैं वो काफी सारी रहती हैं, और उसी बीच में आता है गठबंधन। शादी के जब फेरे हो रहे होते हैं, जब दुल्हा अपनी दुल्हन को मंगलसूत्र सिंदूर पहनाता, उससे पहले फेरे लिए जाते हैं। फेरे के दौरान दूल्हे के कंधे पे एक व्हाइट कलर का कपड़ा रखा जाता है, और उस कपड़े को एक्चुअली दुल्हन के जो पलड़ू रहता है उसके साथ बांधा जाता है, और जो दूल्हे के कंधे में जो कपड़ा रखा जाता है उसके अंदर कुछ चीजें रहती हैं जो बांधी जाती हैं। वो पांच चीजें होती हैं। पहली होती है ध्रुव, और दूसरा होता है एक फूल, और तीसरा होता है पैसे, और चौथा होता है चावल, और पांचवा होता है हल्दी। ये पांच चीजों का भी बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हमारे बड़े बुजुर्ग काफी सारी चीजें बना के गए हैं जो कि अभी तक चलती आ रही है और कभी भी खत्म नहीं होगी, जब तक इंसानियत है, इंसान जिंदा है। तो हम आपको बता दें कि एक्चुअली ध्रुव का मतलब क्या होता है। उस पलड़े में बांधा हुआ ध्रुव का मतलब ये होता है कि पति पत्नी हमेशा ही हरे भरे रहे। और उसी के साथ पैसों का क्या मतलब होता है, पैसों का मतलब ये होता है उसमें बांधने का कि जो घर के अंदर जो पैसे आते हैं वो उसके ऊपर पति पत्नी का बराबर का हक होता है, चाहे कमा के कोई भी लेके आए। और उसी के साथ हल्दी का मतलब ये होता है कि घर में कोई भी रोग ना आए और पति पत्नी के बीच में कोई भी रोग ना लगे। और उसी दौरान ही फूल का मतलब ये होता है कि दोनों ही ऐसे ही हरे भरे, ऐसे ही ब्यूटीफुल रहें, बहुत ही बरकरार रहें, और दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ वैसा ही बरकरार रहे जो स्टार्टिंग से अंत तक वैसे ही रहे। और चावल का मतलब ये होता है कि उनके घर के अंदर जो अन्न आ रहा है वो सबको बराबर मिले और कभी भी अन्न की कमी ना हो, और हर कोई इंसान जो घर के अंदर है शादी के बाद वो भर पेट खाना खा पाए। तो ये होते हैं कुछ मतलब, और काफी सारे लोगों को मतलबों के बारे में पता नहीं होता। शादी के हर एक रस्म कुछ ना कुछ चीज के लिए बने होते हैं, और उसके बाद ये बोला जाता है कि जब गठबंधन बांधा जाता है तो वो दोनों आपस में उस गठबंधन में जुड़ चुके हैं और बंध चुके हैं। आई होप गाइस आप लोगों को इसके बारे में जान के अच्छा लगा होगा। अगर हमारी तरफ से आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच डी न्यूज़।